अपनी जबरदस्त श्रम शक्ति के सहारे राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भील समाज की हालत यह है कि वो आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और शारीरिक ही नहीं अपितु जीवन के हर क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। इसके बावजूद आलम यह है कि आजाद भारत में बनी किसी भी राजनीतिक दल की सरकार ने भीलों की दशा सुधारने के लिए अव्वल तो कोई प्रभावी कदम उठाया ही नहीं और फौरी तौर पर अगर कोई कोशिश हुई भी तो उसका लाभ भील समाज को नहीं मिल पाया। राजस्थान का गौरवशाली अध्याय भीलों के साथ जुड़ा हुआ है। भील हमारे इतिहास के स्वर्णिम पन्ने हैं। भीलों ने महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप और हमारे तमाम मेवाड़ के बड़े बड़े मनसबदारों के साथ मिलकर इस प्रदेश के लिए बहुत शहादत दी है। लेकिन ये विडंबना है कि आजादी के 64 साल बाद भी भील वही है जहां 64 साल पहले थे। प्रकारांतर में बनी कमोबेश सभी सरकारों ने भीलों की सुध लेने की कभी कोई कोशिश नहीं की है। भीलों के झोपड़ों में झांकने की कोई कोशिश नहीं की है। इसीलिए उगते सूरज की एक भी रुपेली किरण मैं दावा करता हूं कि भीलों के घरों में, खेत खलियानों में अब तक नहीं पहुंच पाई है। भील जाति के इस दर्द को जब देश व समाज के किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने नहीं समझा तो स्वयं भील जाति के ही कुछ जागरूक लोगों ने राजस्थान भील समाज विकास समिति के नाम से एक संगठन बनाकर समाज में चेतना जागृत करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए वो राज्य के प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर भील समाज के आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं जहां उन्हें कुरीतियों को छोड़ने का संकल्प दिलाकर राजनीतिक रूप से लामबंद किया जा रहा है। हम भील समाज को यहां सुसंगठित कर रहे हैं, एक मंच पर ला रहे हैं और जो समाज में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को मिटाने के लिए इन सबको समझाया जा रहा है। और विशेष तौर से हम जोर दे रहे हैं शिक्षा पर, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी आंख है जो समाज को आगे ले जा सकती है, समाज को दिग्दर्शन करा सकती है। साथ ही कुरीतियों को मिटाने के लिए हम संकल्प दिला रहे हैं और संकल्प के सारे आध्यम तक सारे राजनीतिक चेतना लाई जा रही है, आर्थिक मजबूती लाई जा रही है और सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना के प्रयास किया जा रहा है। एक मोटे अनुमान के अनुसार राजस्थान में भीलों की संख्या लाखों में है, लेकिन एकजुट नहीं होने के कारण कोई भी राजनीतिक दल उन्हें वो तवज्जो नहीं देता जैसी कि वास्तव में उन्हें मिलनी चाहिए। इसी का दुष्परिणाम यह है कि वर्षों से भीलों के उत्थान के खातिर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा की जा रही 5 प्रमुख मांगों पर आज तक न तो किसी अधिकारी और न ही किसी राजनेता ने ध्यान देने की जहमत उठाई है। 5 मांगे हम राजस्थान सरकार के सामने रखी है। पहली हमारी मांग है एसटी आरक्षण की समीक्षा हो, क्योंकि आजादी के 64-65 सालों में भील समाज जहां का तहां पड़ा हुआ उनको आज दिन तक एसटी आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। हमारी जनसंख्या के अनुपात में भील समाज को अलग से आरक्षण मिले। और दूसरी मांग हमारी हर जिला मुख्यालय पे भील समाज के लिए निःशुल्क भूमि 2 बीघा की मांग की है, वो उनको छात्रावास बनाने के लिए। और तीसरी मांग हमारी है उदयपुर संभाग में जो उपयोजना लागू है वो पूरे राजस्थान में लागू है ताकि हमारे भील समाज का भला और विकास हो सके। और चौथी मांग है हमारी कृषि कनेक्शन की, जो कृषि कनेक्शन में एससी में जो छूट है एससी की तरह भीलों के लिए भी कृषि कनेक्शन में छूट हो, क्योंकि सामान्य वर्ग की बराबर ले रखा है एसटी में इन भीलों को, तो वो भील समाज वो डिमांड बराबर नहीं कर सकता तो उनको छूट दे। पांचवी मांग हमारी है वर्षों से वन विभाग की जो जितनी भूमि है चाहे उनको जो है निःशुल्क पट्टे जारी करके इन भीलों को भूमि आवंटित की जाए। अपनी इन जायज मांगों को नहीं माने जाने से भीलों में भारी आक्रोश व्याप्त है तथा जैसे जैसे भील जाति में एकजुटता आती जा रही है वो भी अपना हक हासिल करने के लिए आंदोलन की राह पर अग्रसर होने का मानस बना रहे हैं। राजस्थान सरकार अगर जो हमारी ये मांगे रख रहे हैं ये नहीं माननी तो फिर सारे राजस्थान के भील समाज सुसंगठित होकर के बिल्कुल जबरदस्त ऐसा आंदोलन करेंगे ताकि सरकार हमारी मांग के सामने झुक सके। भीलों की विडंबना को सिर्फ इसी बात से समझा जा सकता है कि कृषि कनेक्शन लेने के लिए उन्हें भी उतनी ही डिमांड राशि जमा करवानी पड़ती है जितनी की एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति जमा करवाता है। ऐसे में वो भील जिसके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ मिट्टी की एक केलड़ी व हांडी ही होती है वो भला किस प्रकार से अपने खेत पर बिजली का कनेक्शन करवा सकता है? क्या इस असमानता को दूर करने की जहमत कभी किसी राजनेता द्वारा उठाई जाएगी? आज यही वो यक्ष प्रश्न है जो भीलों के सामने मुंह बाएं खड़ा है।
भगवान राम को झूठे बेर खिलाने वाली शबरी के वंशजों को आजादी के बाद एसटी के नाम पर आरक्षण तो जरूर मिला, लेकिन अपनी कई कमजोरियों के चलते भील समाज उस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाया। समाज के इस दर्द को राजस्थान भील समाज विकास समिति ने बखूबी समझा है और अब वो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपने समाज में राजनीतिक और सामाजिक चेतना लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम धरातल की स्थिति का आकलन करें तो वास्तव में भील समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति इतनी नाजुक है कि यदि हमारी सरकारें सही मायने में दलितों का उद्धार करना चाहती है तो उन्हें भील समाज की इन पांचों मांगों को हर हाल में पूरा करना चाहिए। ओम कसारा, ईटीवी न्यूज़, भीलवाड़ा।